बच्चों, स्वागत है आपका .NET पर। आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने जा रही है। कहा जाता है कि बिहार बोर्ड के बच्चों का गणित काफ़ी मजबूत होता है। हम लोग खड़े हैं पटना के एन कॉलेज में, जहां की आज गणित की परीक्षा हुई है। आइए जानते हैं कैसी रही आज की परीक्षा। क्या नाम है आपका? क्या आज किस विषय की परीक्षा आपने दी? मैथमेटिक्स। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया था। क्या कठिनाई आई आपको? कठिनाई थी क्वेश्चन लेट से मिला, क्वेश्चन मतलब डेढ़ घंटा एक घंटा लेट मिला, 10:30 बजे से मिला था क्वेश्चन। इसमें इसी वजह से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा बन नहीं पाया, समय की कमी हुई। कितने मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया? 70 प्लस। अच्छा, और आप कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? कम 3-4 घंटे दिन में सिर्फ मैथ में। सिर्फ मैथ में? ऐसे पूरी पढ़ाई कितने घंटे करते? पूरी 7-8 घंटे। 7-8 घंटे। और आपको क्या, अगर कोई सवाल नहीं आया तो उसका जवाब आप कैसे कर पाए? कुछ ऐसा भी सवाल था जो आप नहीं कर पाए? बहुत ऐसा सवाल था जो सिलेबस ख़त्म होने के टाइम मतलब पूरा नहीं हो पाता, वही सवाल छूट जाता है। उसको आपने कैसे सॉल्व किया? बिहार बोर्ड का यही एक है मतलब बढ़िया बात कि इसमें डबल क्वेश्चन मिलते हैं जी, जो आपको नहीं आ रहे हैं उसके बदले आप मतलब दूसरा भी बना सकते हैं। जी जी, अगर वो नहीं आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन भी, तो दूसरा बन सकता है। कितने नंबर आने की उम्मीद है आपको? 70 प्लस ही आएगा। ठीक, धन्यवाद। कैसा रहा आपका पेपर? परीक्षा तो ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक है। कितने नंबर आने की उम्मीद? नंबर तो 70 तक आ जाएगा। क्या क्वेश्चन पेपर सही समय पर मिला था? हाँ, टाइम टू टाइम मिल गया था। टाइम टू टाइम मिल गया था। और किन कठिनाइयाँ, कौन कौन सी कठिनाई आई आपके सामने? सर थोड़ा बहुत ही इंटीग्रेशन इस समय प्रॉब्लम हुआ था, इंटीग्रेशन पढ़ते तो हो जाता मेरा। कितने घंटे मैथ की पढ़ाई करते थे? मैथ का ज़्यादा कितना, 3 घंटा तक करते होंगे। 3 घंटा तक। कैसा रहा आपका पेपर सर? कितने नंबर आने की चांसेस? 75 प्लस। क्या कठिनाई आई आपको? कठिनाई तो कुछ आई नहीं, बट लॉन्ग टाइम वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं। क्या क्वेश्चन आपको सही समय पर मिल गया था? आपने सारे कुछ सवालों का जवाब किया? जी सर, सारे सवालों का जवाब किया। कोई ऐसा भी सवाल था जो आप नहीं कर पाए, उसको आपने कैसे किया? एक दो था जो नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसको कर दिया, छोड़ा नहीं। आपने पेपर नहीं छोड़ा, यानी आपने सारे प्रश्न के उत्तर दिए।